वहीं नई सरकार के काम शुरू करते ही एक बार फिर कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। रोडवेज यूनियन के बाद अब पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर के हजारों कर्मचारियों ने सरकार को अपने पुराने वायदों को पूरा ना करने पर सड़कों पर उतरने का अल्टीमेटम दे दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर एक बार फिर कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की 8 जनवरी की प्रस्तावित हड़ताल के बाद अब एक बड़े महकमे पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने भी तेवर दिखाने शुरू किए हैं। पानीपत में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय बैठक में सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। सरकार ने हमारे से वादा किया था कि जलमल की जो सप्लाई है उसको हम निजीकरण नहीं करेंगे, उसका पत्र हमारे हाथ में दिया था। आज तक उसका पत्र जो है ना पूरे नीचे फील्ड में नहीं निकल रहा। उनका जलमल की सप्लाई जो पंचायत के अधीन देने की गांव की सप्लाई है, क्योंकि वो सीधी बजट ग्रांट केंद्र सरकार से आया और उसको जो है ना गांव में की सप्लाई को पंचायतों में देने करके हजारों हजार कर्मचारियों का शोषण करने का काम सरकार कर रही है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम 4 तारीख को पंचकुला के अंदर राज्य कमेटी की मीटिंग करेंगे और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमने गुजरना पड़े। गौरतलब है कि यूनियन नेताओं ने जिला स्तर पर भी बैठकें की। आरोप लगा कि सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है और ये वो होने नहीं देंगे। सरकार की ओर से 3 जनवरी की बैठक में आश्वासन दिया गया है और 4 जनवरी से कर्मचारी फिर अपना फैसला करेंगे। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।